जमीन विवाद के चलते महिला के साथ की मारपीट की वारदात। दूसरे पक्ष के लोगों ने महिला के 10,000 रुपये और सोने की कंठी को हत्याया। रानी थाना क्षेत्र के केनपुरा रोड पर रहने वाली कन्या देवी जाति मालवीय लोहार के साथ मारपीट करने, बिस्तर के तकिए के नीचे रखे 10,000 रुपये, गले में पहनने वाली सोने की कंठी को सुरेश कुमार पुत्र नारायण लाल जाति मालवीय लोहार निवासी गुड़ा महराम के द्वारा महिला से छीन लिए। वहीं जमीन विवाद को लेकर महिला के साथ मारपीट की घटना सामने आई। महिला के साथ जब वंदे भारत न्यूज चैनल की ओर से वार्ता की, तब सामने आया कि 6 फरवरी 2024 को सुरेश कुमार और भाड़े के गुंडों और महिलाओं को दोपहर के वक्त घर के बाहर आया और घर के बाहर जहां जहां पर भी कन्या देवी नाम के जितने भी बोर्ड लगे हुए थे उन सब नामों को लाल रंग से मिटाया। साथ ही कन्या देवी की गैर मौजूदगी में घर के बाहर लगे ताले को तोड़कर सभी साथियों के साथ घर के अंदर घुस गए। लोगों ने कन्या देवी को आवाज़ लगाई, तब कन्या देवी दूसरे मकान से भागती हुई आई, तब सुरेश कुमार के साथ आए सभी साथियों ने महिला को लात घूसों के साथ मारपीट की। तभी कन्या देवी के पुत्र को घटना का पता लगा, तब भागते हुए घर पर आया। उसने सभी आरोपियों के घर के अंदर घुसे होने को देखते हुए कन्या देवी से मारपीट करने के फोटो खींच लिए, साथ ही बीच बचाव कर अपनी माँ को भी बचाया। पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले सभी आरोपी वहां से भाग गए। कन्या देवी से जब बातचीत की तो पता लगा कि रानी शहर के कैनपुरा रोड के पेट्रोल पंप के पास कब्जा सुदा परिचर में दूसरी बार कब्जा हड़पने की नियत से महिला पर हमला कर मारपीट की। कन्या देवी का वास्तविक कब्जा कन्या देवी का है। सिविल बाद व माननीय उच्च न्यायालय में अवमानना कार्यवाही कर रही है। इसके बावजूद सुनील कुमार के द्वारा मुकदमा हारने के डर से बार बार कन्या देवी और कन्या देवी के परिवार जन के साथ दबाव बनाने व जमीन हत्याने की साजिश रची जा रही है। महिला का कहना है कि सुरेश कुमार और उसके साथियों के द्वारा मुझे से मारपीट की गई, तब रानी थाने में जुड़े अधिकारियों के द्वारा भी गलत रवैया अपनाया गया। 3 घंटे तक थाने में बिठा कर रखा गया, साथ ही सुरेश कुमार के ऊपर हल्की धारा लगाकर सुरेश कुमार और उसके सभी साथियों को छोड़ दिया गया, जो 10,000 रुपये और सोने की कंची वापस नहीं लौटाई गई। थाने के अधिकारियों का सुरेश कुमार के साथ मिले होने का आभास होने लग गया है, क्योंकि पूर्व में भी जब ऐसी घटना हुई थी तो उस वक्त भी जब 10 व्यक्ति घर के अंदर मारपीट करने आए थे, तब पुलिस प्रशासन की ओर से रिपोर्ट में 2-3 के ही नाम दर्ज किए गए। इससे यह साफ हो जाता है कि पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं उन अपराधियों के साथ में गठजोड़ बनाए हुए हैं। वंदे भारत से मोहसिन खान की रिपोर्ट। श्रीमल लोहार की ये संपत्ति है और इस महिला का कहना है कि ये संपत्ति हमारी है और किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा इसको कल 2-3 दिन पहले इसको तोड़ा गया था और यहाँ पे जो लॉक लगा था ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ये जो लॉक लगा था उस लॉक को तोड़ा गया है और अंदर लोग अंदर आए थे और उन महिला के साथ में मारपीट की थी, जिसमें महिला के द्वारा मारपीट के दौरान प्रशासन को आगाह भी किया था और मुकदमा दर्ज कराने के लिए गए थे, लेकिन इनकी सुनवाई इतनी नहीं हो पाई है। तो इसी वजह से इन महिला के द्वारा हमारे चैनल से जुड़ा हुआ और आज हम इनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि असल में मामला क्या है। जी आपका वंदे भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। पहले तो आपका अपना नाम बताए, आपका नाम क्या है? कन्या देवी। अभी क्या मामला है, किस मामले के मामला में जुड़े? मैं जमीन रो मामलो है, जमीन मारे खरीदी हो रही है, मारो भाई भयोरो मैटर मोने निवेणो, मारा भयोरी कोई तिगत नहीं ने न 2009 में मारे इष्टी है मलियो कन्या देवी नाम थी ने लाइट पौनी मारा नाम थी मलिया बने फर्जी रस्ती बनाई जब मालिक विवाद डुगा बनो री कोर्ट में हुनोई नहीं हुई। मारे गने भयोरो लकत है, सारी भयरो दक्षत है कि ओने मारे भाई वंड में आयरो, वन में मने नगरपालिका लाइट दीदी पौनी दीदो, मारो मीटर सोरी करन लेगो ने मारे इष्टी मलियो सिविल कोर्ट रो, तो माय पड़िया तोड़े ने पहला जो मारो इष्टी उकेलीन लेगो वो बोट ने वो बोट बीजो लगाई और माते कलर पोतियो काले ने मारो दरवाजा तोड़िया पहला बे किस किस व्यक्ति के द्वारा तोड़ा गया? ये नटराज के द्वारा। नटराज कौन है? ये नटराज वो नटराज है हमारा परिवार रू से, ये 2009 में वाले कहां के है? 2009 में तो मने इष्टी मलियो, 2011 में इष्टी माते खरीदियो और जालोर रहे वो जालोर रहने वाले। हाँ जालोर जाति लुहार है। लुहार है हाँ, उनके पहले परिवार को। हाँ परिवार में अर्गा नेरा और नतराज गरदारी मल ने जतिन जी गुड़ा रो अटारो मारोम जी गुड़ा रो सुरेश वो वर्ने भौने जी रो विंदे वर्ने आगर भौने की दो ठाकरों ने लेने मारे जमीन अरपा ने वो मने मारी
મારી કંટી લેગી 10,000 રૂપિયો લેગો ને મને એટલે ઘર માં મારે કરે તેરે જણા ને થોડા વારા મને કહે કે શૂટિંગ ને વિડીયો બતાવો મારો કોઈ મને કે નહીં તો મારે શૂટિંગ કુન લે ફેદાર